ये लैंड होने वाली है अभी मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जबरदस्ती पिया 21 वाला बस 2 करोड़ बस 2 करोड़ म्यूजिक रोज यूज करना उससे जो वायरस फैल रहा है उसका कुछ हो सकता है। बाय द वे 12 मार्च आज मेरा मम्मी पापा का 24th एनिवर्सरी पार्टी के लिए मत बोलना पापा को बोलना। ओके लेट्स बिगिन। फिर से आ गया मैं पुराना शक्ल और नया ब्लॉग लेकर। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम टू अ फ्रेश न्यू रॉकेट ब्लॉग एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। सो व्हाट ऑल अबाउट टुडेस ब्लॉग। ऑन द डेट ऑफ 8 मार्च वी वेंट टू अ म्यूजिक फेस्टिवल। वो मेरे लाइफ का सबसे पहला म्यूजिक फेस्टिवल था। तो व्हेन आई सेड वी आई मीन मी नेहा एंड एंडी जो आपको आगे जाके पता चलेगा उसके लिए देखना पड़ेगा। मैं पहले बता दूं कि ये ब्लॉग मेरे को इस नैरेटिव वे में बनाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर जो टिकट था म्यूजिक फेस्टिवल का उसमें लिखा हुआ था कोई भी DSLR कैमरा अलाउ नहीं करेंगे जो आगे जाके फॉल्स पता चला। आगे आप तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरे को बात करना पड़ेगा 7th मार्च की जिस दिन मेरा इंटरव्यू था जो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा। तो उस दिन रात को कुछ 10-11 बजे मेरे को उसने ऐसा कॉल आया कि देख एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है और म्यूजिक फेस्टिवल एंड फूड फेस्टिवल हो रहा है पीसी चंद्र गार्डन फिर चले गए कि नहीं आई एम ऑन। तो तब तक हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग के साथ एंडी भी जा रहा है। तो एंडी बाद में हम लोग का ग्रुप ज्वाइन किया था। तो यही था सीन कैसे प्लान हुआ। तो अकॉर्डिंग टू प्लान सब कुछ चल रहा था लेकिन सुबह सुबह मस्त तगड़ा बारिश हुआ। तो जो इवेंट 11:30 बजे शुरू होने वाला था वो इवेंट शुरू हुआ 2:30 बजे। एज ऑलवेज आधा घंटा तक खड़ा है कोई ऑटो नहीं है। फाइनली एक ऑटो मिला उसमें चला मस्त आगे देखो। और भाई ऑटो में आप लोगों को पता है नहीं कि मेरे को बच्चा मिल जाता तो आई लव किड्स। अगर बच्चा मिल जाता तो रास्ते पे मैं चिल्लाता रहता हूँ। मैं अगर मम्मी के साथ ऐसे जा रहा मैं ऐसे अलग अलग शक्ल बनाता हूँ तो ऐसे ही मेरे को ऑटो में बच्चा मिला। फाइनली शौकर बाजार पहुँचे थे। शौकर बाजार में पहुँचते हम लोगों को मिला सोहम। आई थिंक यू डोंट नो सोहम। तो देखो सोहम कौन है। ओके आई एम एट टॉलीगंज राइट नाउ एंड लुक हु वी मेट इज सोहम एंड टुडे आई हैव स्नेहा विथ मी। स्नेहा तुम क्यों आया था यार। अरे मैं आया था हेयर कट करवाने इन लोगों से मिल गया मैं। I just got to meet up with them. Oh, there's so much of awful noise. Yeah. It's because you can move forward. भाई साहब जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ पहुँचे। तक एंडी को पता चल चुका था हम लोग जा रहा हूँ तो एंडी भी प्लान में शामिल हो गया। भाई तो जिन लोगों को एंडी नहीं पता एंडी हम लोगों के साथ पढ़ता था फर्स्ट ईयर में। सो ही ड्रॉप्ड आउट नाउ ही बिकम ए सी ऑफ बीटा क्लाउड। वो एक उन लोगों का स्टार्टअप है। वो हम लोगों से टाइम मंगा कि भाई 15 मिनट रोक मैं आ रहा हूँ। लेकिन भाई फेस्ट का बाहर जाके खड़ा होने के बाद बाहर से जो अंदर का आवाज़ और अंदर का जो डेकोरेशन बाहर का ही जो डेकोरेशन देख के मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा था कि 15 मिनट रुका जाए। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर बीन एनी फूड फेस्टिवल और म्यूजिक फेस्टिवल एवर। सो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम था किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल में। तो आगे जाके जो भी एक्सप्रेशन मेरा फेस पे दिखेगा वो एक्सप्रेशन एकदम बिल्कुल प्योर होंगे। तो बिफोर यू जज मी मैं बता दूँ इट इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम एट एनी काइंड ऑफ म्यूजिक एंड फूड फेस्टिवल। व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस ग्रेप फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। ग्रेप फेस्टिवल में क्या होता है रिनोन फेमस म्यूजिशियन डीजेस आएंगे वो तो म्यूजिक पार्ट हो गया। और फूड व्हाई दे इंक्लूड फूड हियर। फूड फेस्टिवल में क्या होता है मतलब तो डीजे इज प्लेइंग लाइक ऑन द स्टेज बट बहुत सारा रिनोन फेमस रेस्टोरेंट का स्टॉल लगेंगे और अलग अलग नया नया शेफ अपना नया खाना लॉन्च करते हैं वहाँ पे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फूड फेस्टिवल। और खाने का क्वालिटी भाई ज़बरदस्त है एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। सो फाइनली हम लोग अंदर गए। अंदर का एम्बिडियंट इतना अच्छा था कि भाई क्या बताएं। और अंदर जाने के बाद बहुत सारा टिकट काउंटर था हम लोग कन्फ्यूज थे। तो फाइनली हम लोग बात करके एक टिकट काउंटर से टिकट लिया। तो फाइनली वी रीच्ड हियर द काइंड ऑफ वाइब्स वी आर गेटिंग। ओहो और हम लोग का और एक दोस्त आ रहा है एनडी और एनडी आने में उसको और 15 मिनट लगेगा। हम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा कि उसके लिए वेट करो। और मेरे साथ गलत चीज़ हुआ। कोल्ड ड्रिंक लिया मैंने पी रहा था आधा कोल्ड ड्रिंक था। मैंने सोचा कि गेट में लिखा हुआ था ना कि लिक्विड अलाउड नहीं है तो मैंने सोचा कि अलाउ नहीं करेंगे बट देख लो अलाउ कर रहा हूँ। मैं जबरदस्ती पिया एकदम। इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी।
सो फाइनली एंडी आया था तो हम लोग अंदर एंटर किए थे. एंटर करने के बाद सो लुक प्लान कैंसिल हो गया था, सब कुछ हो गया था. तो मैं फिर भी अपना माइंड में प्लान चालू रखा था कि ऑल आई वॉन्टेड टू हेयर टू जस्टिफाई द 299 द टिकट टिकट प्राइस इज रियली वर्थ इट और नॉट. बट यहाँ पे आके जो बाइक मिल रहा है ना ब्रो, दिस इज ओवरवेलमिंग. देख लो भाई. अंदर जाके देख रहा हूँ कि बच्चे को चिराने वाला सिर्फ मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, कुछ टर्किश आइसक्रीम वाले वो भी होते हैं. अगर आप देखे होंगे बहुत सारा फेसबुक में वीडियो, यूट्यूब में वीडियो, वो लोग बच्चे को चिराते रहते हैं. तो ऐसे एक बच्चे चिराने वाला फुटेज मेरे सामने हो रहा था. तो मैं ऐसे ब्लॉगर मैं ऑलवेज करते करते हम लोग को भूख लग गया था. तो एज आई सेड कि बहुत एक्सपेंसिव था फूड. हम लोग खाना खाना खाए, कुछ देर एंजॉय किए. जो मैंने ऑफ कैमरा रखा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. हम लोग डांस वांस किए उसके बाद तो फाइनली टाइम हो चुका था हम लोगों को कॉलेज आने का. लेकिन भाई इतना अच्छा उस टाइम में थोड़ा थोड़ा लाइट जल रहा था. और भाई साहब लाइट थोड़ा थोड़ा जलने के बाद ना और भी खूबसूरत लगने लगा था नज़ारा. मेरे को तो सीरियसली आने का मन नहीं कर रहा था. तो मैंने जो बाकी मेरे दो पार्टनर थे उन लोगों का अपना ओपिनियन के लिए पूछा. दोनों को ये प्रोग्राम छोड़ के जाने का मन कर रहा है? नहीं, कर नहीं रहा है. अपना कॉलेज कितना मस्त जगह पे ना, हर कुछ हर अच्छा. दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी वी हैव सो फार. नाउ वी आर एट अ सिटी, नाउ वी हैव टू गेट कितना रेवेन्यू तुमको जाने का मन कर रहा है सीरियसली? या आई फील लाइक स्टेइंग बैक. नॉट गॉन, मारो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना. मेरे को मन नहीं कर रहा, मेरे को सीरियसली मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा. और मेरा लाइफ का सबसे पहला म्यूजिक फेस्टिवल था. अभी रात को और भी धमाल होने वाले. वी जस्ट हर्ड पाब्लो, राइट? हाँ हाँ. सोचो मतलब जो मैंने फुटेज दिखाया उसमें अगर रात के टाइम पे लाइट्स होंगे, इट विल बी ग्रेट. मैंने रात का सीन देखा था ड्रोन वाला. ओ मैन, इट वाज ऑल उलाला. लेकिन जब किस्मत पे हो रोना तो क्या करेगा, घर पे रखा हुआ सोना. कोई बोल रहा हूँ ना, अगर कॉलेज इतना दूर नहीं होता ना तो. या एंड इफ वी डिडंट हैड एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली. चलो यही तक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यही तक था ग्रैब फेस्टिवल. अब एंडी गया बाइक लाने. वी डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न बिकॉज़ बहुत लेट लगी. और एक बात है, जो रेस्ट्रिक्शन था, जो टर्म्स एंड कंडीशन था कि यू शुड नॉट कीप योर ब्रिंग योर ट्राइपॉड कैमरा, भाई कोई नहीं फॉलो कर रहा था, सबको ला रहा था. यू शुड नॉट ब्रिंग कॉइंस, हमने सारे छुट्टे रास्ते में बांट दिए. और मैं अपना जो कैमरा वाला सेटअप नहीं लाया, मैं फोन से ब्लॉक कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, इट्स फाइन. अभी टर्म्स एंड कंडीशन था बुक माई शो पे, कोई फॉलो नहीं किया. बुक माई शो को फुद्दू बना दिया. फुद्दू बना दिया, मेरे साथ चीटिंग हो गया. मारो मुझे, मारो मुझे, मारो. नहीं
नहीं यार मत मारो, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. या और आज का आसमान इतना सुंदर है, वाओ. आसमान द प्लेन इज आल्सो गोइंग, ये लैंड होने वाली है अभी. डन द एयरपोर्ट, सी सी यू. सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट द लाइक बटन. लाइक करने से थोड़ा होता है और फैलता है वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट, कंसीडर सब्सक्राइब. अच्छा नीचे मस्त एक लाल सा बटन होगा, जाके ऐसे टच कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा. साथ में एक ना घंटी आता है, इसके ऐसे बजा दो, मज़ा आ जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे. इधर से बी पॉजिटिव, स्टे कॉल, स्माइल, लव लव, हैव फन एंड कीप रॉकिंग. एंड जो वायरस फैल रहा है उससे थोड़ा बच के रहो, क्योंकि यू आर इम्पोर्टेंट टू मी. लव लव.